बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 4 और आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी, मैंने उसको अलग चैप्टर का नाम नहीं दिया, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी मटीरियल है वो सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसी क्रम में हम इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, बट वी आर गिविंग इट द सेम कंटिन्यूटी, लेक्चर 4 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या GMO या GMOs कहा जाता है इनको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो प्लांट किंगडम से बिलोंग कर सकता है या फिर एनिमल किंगडम को भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का मतलब तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट करके है, नहीं एक साथ ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 4 और इसमें हम समझने वाले हैं आज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का, ऑर्गो, सिमरन, केतन, इसके अलावा हनी, इकरा, सारे के सारे बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। तो बच्चों एक सिंपल सा रूल तो आपको पता ही है कि आपको सेशन के साथ साथ जो है लाइक भी करते रहना है, तो लाइक्स करते रहिए और सेशन को बढ़ाते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको जानने को मिलेंगी यहाँ पर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के साथ थी कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। अब हमें बेसिक चीजें पता चल चुकी हैं कि किस तरह से हम जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से एक वेक्टर का फॉर्मेशन करके अपनी डिजायर्ड जीन को किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन्हीं चीजों के एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे और कैसे कैसे एप्लीकेशन होगा वो भी समझ में आएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड होने वाली है और चीजों की क्लैरिटी होने वाली है आज, तो बिल्कुल सही बात है। So now let us continue. And for all those students who have joined my session for the first time, my name is Pradeep Singh. My years of experience, qualification, number of student taught, everything is in front of you. Aur ye sari ki sari cheeze hain, secondary, primary hain, to sirf aap hain. And it's because of you that the sessions are running. So hash neat live daily ke through apne social media accounts par mere sare ke sare sessions share zarur kiya kijiye, taki is revolution ke bare mein country ke har ek bacche ko pata chal jaye. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप को समझ लेते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले इसको अपने फोन पर कर लीजिए इंस्टॉल। इसके बाद गो टू एनी ब्राउजर और फिर वहां टाइप करेंगे tinyurl.com/neetlivechat। आप जैसे ही टाइप करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रुप। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपकी अपनी क्लासेस से रिलेटेड। इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile। तो करना क्या है इसको, आपको ब्राउजर में जाकर के टाइप करना है, गूगल में गए और टाइप कर देना है टाइप बॉक्स में tinyurl.com/neetmobile। जैसे ही आप टाइप करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पेज। आपको ये पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आप सचिन सर की फोटो देखेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे सब्जेक्ट्स विजिबल हैं और चैप्टर वाइज एंड लेक्चर वाइज डिस्कोर्स के साथ आप हर एक लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट यहीं पर प्ले पर क्लिक करिए और लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, प्लेइंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहीं से पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। सो इजंट इट अ बेस्ट ऑप्शन टू अंडरस्टैंड एंड टू गो थ्रू ईच वन ऑफ द लेक्चर्स। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलती है लाइव क्लासेस। You will get live classes, वो भी आपके अपने पसंदीदा educators के through. You will get all the live classes with all the educators जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं. You can interact with the educator. आप हमारे साथ interact कर सकते हैं live poll and leaderboard की सहायता से, आप अपनी performance को judge कर सकते हैं. इसके अलावा test series and analysis के through आप अपनी performance को improve कर सकते हैं and live doubt clearing sessions के through आप अपने सारे के सारे doubts clear कर सकते हैं. देखिए बच्चों जब भी आप पढ़ेंगे तो डाउट्स का होना लाजमी है। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं हो रही, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डाउट हो रहे हैं, तो उन डाउट को क्लियर करना डाउट के होने से भी ज्यादा आवश्यक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो डाउट को क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है।
राइट एक वीकेंड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है फॉर नीट 2021 एस्पायरेंट। इस बैच के साथ फायदा यह है कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्केड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, एंड दिस बेस्ट टीम ऑफ द कंट्री विल टेक यू टू योर गोल। इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। राइट तो करना क्या है इसके लिए, यू जस्ट हैव टू गो टू प्ले स्टोर और वहां पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यू विल गेट द ऑप्शन प्लस, तो प्लस सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नीट यूजी एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आपने यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक किया, यू विल गेट दिस पेज जहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब जैसे देख लीजिए, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 months के सब्सक्रिप्शंस हैं। इन सब्सक्रिप्शंस को आप अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इन द सेंस कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, और एग्जाम की डेट मान लीजिए कभी आगे पीछे भी होती है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल डायरेक्टली सपोर्ट मी बाय यूजिंग दिस कोड बिकॉज इट्स अ सोशल करेंसी फॉर अस। राइट चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब शुरू कर देते हैं आज का अपना लेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 4, और उसमें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि जीएमओस के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो एक बार क्विकली मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देख लेता हूं। युवराज, मानस, इसके अलावा ऑर्घो, और कौन कौन से बच्चे हैं इस वक्त, इंदर, हरीश, कृष्टि, सुचि, बिस्मा, इंतखाब, प्रियव्रत, भाई बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है आप लोगों के, मीमांशिका, व्हाट अ वंडरफुल नेम, चलिए ज्योति, रूपाली, मेघा, बहुत से बच्चे जुड़ गए। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को अब शुरू कर देते हैं, सीधी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 4। ऑल राइट, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नाउ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन की जब बात आती है तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा, अब उसको अप्लाई करने की बारी आ गई, उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इस पर चर्चा है। तो देखिए बच्चों यहां पर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, यानी कि जिन रिसर्चेस के बगैर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात ही हम नहीं कर सकते, पहले उन रिसर्च एरियाज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे एक एक करके एप्लीकेशन। तो पहला पॉइंट यहां पर है कि बायोटेक्नोलॉजी का एम क्या है, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन समझी हुई है, कैटलिस्ट के बारे में समझा हुआ है, तो कैटलिस्ट क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो केमिकल रिएक्शन में जाए, कोई भी चेंजेस करे, खुद में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस तरह के कुछ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसको हमने इंप्रूवमेंट किया है उसके अंदर कोई फर्क ना आए, जो चीज है वैसे की वैसी रहे, कुछ एक्स्ट्रा काम वो जरूर कर ले जाए। तो यानी कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे उनमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, और इंप्रूवमेंट इस कदर से लाएंगे कि कोई भी दिक्कत ना आए और एज अ कैटलिस्ट हम उसको यूज कर सके। राइट तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड वन इज क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू फंक्शन। अब कैटलिस्ट तो हम समझ चुके कि कैटलिस्ट ऐसा है जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, कुछ चेंजेस लाएगा, उसको एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमल कंडीशन बनाना पड़ेगा जिसमें जो हमने कैटलिस्ट डिजाइन किया या जिस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया वो काम तो कर सके। कैटलिस्ट के लिए भी आपने पढ़ा है कि इक्वेशंस में पढ़ा है, केमिस्ट्री के इक्वेशंस में पढ़ा कि भाई कैटलिस्ट को एक ऑप्टिमम कंडीशन की जरूरत होती है, चाहे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, चाहे वो ऑप्टिमम पीएच हो, तो ये कंडीशंस की जरूरत। सिमिलरली यहां पर भी जिस हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं उसको भी ऑप्टिमम सिचुएशन को हमें देने की जरूरत है, वी हैव टू प्रोवाइड दैट ऑप्टिमम सिचुएशन। तो क्रिएट करेंगे ऑप्टिमल कंडीशन, कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमल कंडीशन, थ्रू इंजीनियरिंग, यानी कि हम इंजीनियरिंग करके कुछ अपना जो है फेर बदल करके, कुछ डिजाइनिंग करके, कुछ ना कुछ चीजों को करके हम उसमें चेंजेस ला देंगे।
है ना, इंजीनियरिंग इसी को तो कहते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि बिल्डिंग बना देना या ब्रिज बना देना या एयरक्राफ्ट बना दे। इंजीनियरिंग का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर लेना, यही होती है इंजीनियरिंग स्किल्स। राइट नाउ इसके बाद तो दो चीजें समझ गए, एक तो है कि पहले कैटलिस्ट बना लो। कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ऑप्टिमम काम करके दे, वही है कैटलिस्ट, उसको बना लिया। इसके बाद हमने क्या किया, उस कैटलिस्ट को वर्क कराने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन की जरूरत है, ऑप्टिमम कंडीशंस का अरेंजमेंट कर देंगे इंजीनियरिंग करके, कुछ फेर बदल करके हम ऑप्टिमल कंडीशंस को कर देंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जिस काम के लिए हमने उस कैटलिस्ट रूपी ऑर्गेनिज्म को बनाया था, जिसके लिए हमने कंडीशंस मुहैया कराए कि वो अपना काम कर सके, अब उसकी प्रोसेसिंग करनी है। यानी कि उसने जो काम कर दिया उन प्रोडक्ट्स को तो निकालना है कि नहीं, वो जरूरी तो है नहीं हमारे जैसे ही हमारे हिसाब से ही वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी माइक्रोब को यूज किया हमने कोई केमिकल बनाने में, जैसे मान लीजिए ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में पढ़ेंगे अभी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर उसने कर दिया तो उस पूरे के पूरे मिक्सचर को यूज थोड़ी कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहां। जब एप्लीकेशन की बात आती है तो पहले तो प्रिंसिपल क्या था, कौन सा प्रिंसिपल लगा करके, राइट निधि, गेटिंग द पॉइंट ज्योति? तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ऐसे करके हम इसमें जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर कंडीशंस को बनाएंगे किस कंडीशन में वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन देगा, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये जब एक एक चीजों को हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको क्लमजी लग रहा होगा, लेकिन डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चीजें हमने सुनी कि कैटलिस्ट बनाएंगे, फिर एक माहौल उसको देंगे, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो कहां कहां पर कैटलिस्ट बनाएंगे, कितने तरह के कैटलिस्ट बनाएंगे, या इन शॉर्ट कहां कहां पर यूज करेंगे हम बायोटेक, कहां कहां पर अप्लाई करेंगे। तो अब हम उस एप्लीकेशन में आ चुके हैं और समझ लेते हैं बखूबी कि कहां कहां पर इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए बच्चों, शायद ही ऐसी कोई फील्ड हो जहां पर इसका एप्लीकेशन नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट, थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, इनमें यूज करेंगे, थेराप्यूटिक्स क्वालिटीज के लिए इनको यूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट डायग्नोस्टिक, यानी कि डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं ना, किसी भी बीमारी को जांच करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स में, उसके क्रोमोसोम में, उसके जेनेटिक्स में फर्क कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो बोलते हैं उसमें सब आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम के मेंबर्स के साथ जोड़ते हैं और प्लांट्स के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स टर्म भी यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसा GMP करके कोई टर्म नहीं है, GMP करके कोई टर्म नहीं है। हाँ, GMP करके एक हो सकता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट GMP, जैसे AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह से GTP के बारे में हमने पढ़ा हुआ, जस्ट एक टर्म आ गया उससे रिलेटेड, इसलिए क्लैरिफाई कर दिया आपके लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। GMP बोल के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का कोई नामकरण नहीं है, GMO में सारे आ जाते हैं, लेकिन प्लांट को भी हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स अलग से, लेकिन एब्रीविएशन नहीं यूज करते। ओके नाउ इसके बाद प्रोसेस्ड फूड। अब ये प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनको माइक्रोब्स की सहायता से कुछ उनमें फेरबदल करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना। जैसे योगर्ट ले लीजिए, है ना, दही हो गया, तो आजकल तो बहुत तरह के अलग अलग टाइप के प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ गए हैं, आपने सुना होगा प्रोबायोटिक मटेरियल, तो वो सब प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उनमें प्रोसेसिंग करने में बायोटेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। फिर बायो रेमेडिएशन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके अलग अलग चीजों के लिए रेमेडी, वो रेमेडी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट से हो सकती है,
वो किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ हो सकती है, वो किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ हो सकती है कि कोई चैलेंज आ गया जिसका बायो रेमेडिएशन करना है, यानी कि रेमेडी देनी है, उपचार देना है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो बायो रेमेडिएशन में वो सारी चीजें आ गई। जैसे मान लीजिए ऑयल स्लिक, हमने एक सुपर बग के बारे में पढ़ा हुआ है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जो पेट्रोलियम अगर लीक हो जाता है ओशंस में, समंदर के ऊपर ऑयल स्लिक बना देता है, तो वहां उसको रिलीज कर सकते हैं, वो ब्रेक कर सकता है, तो ये बायो रेमेडिएशन ही तो हुआ। और इसके बाद आखिरी में वेस्ट ट्रीटमेंट को यूज कर लेते हैं। तो वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, तो इसके बारे में तो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। वेस्ट मैनेज ट्रीटमेंट वहां पर आ जाएगा, वेस्ट का मैनेज कैसे करना है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। पहले तो आप ये समझ लीजिए सारे के सारे पॉइंट समझ चुके क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, एक एक करके उनको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले खेती बाड़ी के साथ शुरू करेंगे, फिर एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और मेडिसिन थेराप्यूटिक्स में क्या क्या यूसेज किया जा सकता है, इन शॉर्ट सारी चीजें समझेंगे एक एक करके जो आपके सिलेबस के साथ। एक और चीज बता दूं, आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी जितना पढ़ाया गया है वो टोटल बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, इसमें बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, लोग पीएचडी तक करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन आपके सिलेबस का है उसको डिटेल में समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, राइट? तो थ्री ऑप्शंस आर देयर फॉर इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। अब हम क्यों यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को फूड में या एग्रीकल्चर में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत है, तो हमें उन खाद्यान्नों की पूर्ति करनी है, गेटिंग द पॉइंट? तो उनको हम यूज करने के लिए इसको करेंगे यूज। तो सबसे पहला मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में क्या क्या करते हैं पहले वो समझ लो। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, अब ये एग्रोकेमिकल क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस जिससे एग्रीकल्चर हमारा अच्छा हो सकता है। तो वो कौन से केमिकल्स हो गए? फर्टिलाइजर्स आ गए, फर्टिलाइजर्स के अलावा पेस्टिसाइड हो गए, वीडिसाइड हो गए जो पेस्ट को मारेंगे, जो वीड को मारेंगे, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे हमारे प्लांट्स के लिए, तो वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये तो आपको पता ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, एम एस स्वामीनाथन सर के ऊपर एक जो है ग्रेट साइंटिस्ट की सीरीज में हमने बात करी थी, जरूर देखिएगा उस सीरीज को। तो वहां पर हमने बताया था कि उन्होंने कैसे 60 और 70 के दशक में काफी चीजों का फर्टिलाइजर्स का एडिशन हुआ था हमारी कंट्री में, यानी कि खूब धड़ल्ले से फर्टिलाइजर हमने यूज किए, फूड प्रोडक्शन बढ़ा लिया। गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया, फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही था, लेकिन उस काम को करने के प्रोसेस में हमारे जो फील्ड थी यानी कि जो मिट्टी की क्वालिटी थी वो डिग्रेड होनी शुरू हो गई। तो हमें देखा कि भाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दीज केमिकल्स कुड आल्सो बी हार्मफुल, है बात कि नहीं? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से ही हम सारा उत्पादन कर लें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर डिस्कशन कर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दूसरा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, ऑर्गेनिक से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, इसमें हम बायो पेस्टिसाइड को यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, या मैन्योर जैसे गोबर की खाद हमारी कंट्री में यूज होती है, तो उससे भी बढ़ा सकते हैं पैदावार, दोनों तरीके से बढ़ती है। लेकिन एक और तीसरा तरीका है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि हमने मॉडिफिकेशन कर दिया क्रॉप में, तो अब कैसा मॉडिफिकेशन कर दिया, कम पानी में भी ग्रो कर जाए, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सूखे की मार इतनी ज्यादा ना पड़े, किसी किसी इंसेक्ट पैथोजेन के अगेंस्ट उसके अंदर ऐसा एक रेजिस्टेंस तैयार हो जाए कि हमें पेस्टिसाइड डालनी ही ना पड़े, बायो पेस्टिसाइड की भी यूज ना करनी पड़े, केमिकल पेस्टिसाइड की भी यूज ना करनी पड़े, है बात कि नहीं? तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेटर है। यानी कि फिर से समझ लीजिए, पहला पॉइंट है कि हमने खेतों में डाले फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर, जो भी डेफिशिएंसी है सॉइल में डाल दिया, सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है, क्योंकि सॉइल में चाहिए ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, सिर्फ इनऑर्गेनिक सिंपल सॉल्ट डालने से सॉइल का टेक्सचर बना नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमस तो लॉस्ट हो जाएगा, ह्यूमस भी डिग्रेड होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था,
इकोलॉजी में कि ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है लेकिन वो काफी स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक साल दो साल दस साल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब कंप्लीट हो गया, अब सॉइल में ह्यूमस ही नहीं है तो प्लांट को कहां से मिलेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, यानी कि सॉइल टेक्सचर खत्म हो जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो कहने का मतलब एग्रोकेमिकल से हम बढ़ा तो सकते हैं पैदावार लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कर तो सकते हैं लेकिन हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर आप देंगे तो वीट भी ग्रो करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट भी आएंगे, क्योंकि वो पूरा फूड साइकिल बना हुआ है, यानी कि फूड चेन बनी हुई है, हम उसको कैसे चेंज करें। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है अगर हो सके जीन्स में ही चेंज कर दिया जाए। क्या चेंज होना चाहिए जीन में, यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो जाए। अच्छा, एक चेंज ये भी हो सकता है कि ऐसी जीन डाल दी प्लांट के अंदर कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाए, या फिर ऐसी जीन डाल दी कि उसके ऊपर कोई पैथोजन आक्रमण ही ना कर पाए, हमला ही ना कर पाए, हमारा तो सब काम ही बन गया। तो अब उन तीनों चीजों को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन रह जाता कि भाई अच्छा खासा तो चल रहा था केमिकल डाल के एग्रीकल्चर, फिर क्या जरूरत थी ऑर्गेनिक की। चलो अच्छा ऑर्गेनिक भी कर लिया, ऑर्गेनिक का बेटरमेंट ये है कि सॉयल का टेक्सचर खराब नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर की बारी आ गई, लेकिन ये भी बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर दी तो पता लगा हमने तिल का ताड़ बना दिया, यानी कि तिल का पेड़ है उसमें ताड़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है अब तक, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ह्यूमन अगर लगे रहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज को तो आप मान लीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया की जीन को जब उठा करके कॉटन के अंदर डाला जा सकता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, चूहे से हाथी बनाया जा सकता है। मैं आपको ऐसे ऐसे चूहे भी कल दिखाऊंगा जो नॉर्मल चूहे से काफी ज्यादा गुना बड़े हैं, ठीक है। तो कुछ भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जीन को जब छेड़छाड़ करने की क्षमता हमारे पास आ गई तो बच्चों बहुत समझ के चलना है, वरना कुछ भी हो सकता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जो पहला था उसको समझते हैं। गीता, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटर है, लेकिन अभी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो मतलब हर चीज के लिमिटेशंस होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो कि नॉर्मल एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप्स मेनली ड्यू टू, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे बढ़ाया था क्रॉप का प्रोडक्शन, यूज ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप, इंप्रूव्ड वैरायटी बना दी गई थी एमएस स्वामीनाथन सर ने, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने एक ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बनाया था, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इंडिया में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हमारे हिसाब से, क्योंकि उसका जो फ्लोर होता था आटा लाल लाल होता था, थोड़ा रेडिश होता था, और हमें व्हाइटिश आटे की जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए। एनीवे, सो यूज ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल कौन से हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, देखिए खेतों में धड़ल्ले से डाले जा रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ा नो डाउट, पोल्यूशन भी बढ़ा, फील्ड का टेक्सचर भी खराब हुआ, कई चीजें हुई, साइड इफेक्ट तो हर चीज का है, जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर को यूज करते हैं, जो गोबर की खाद होती है, या आप कोई भी वर्मी कॉम्पोस्ट हो सकता है, कॉम्पोस्ट हो सकता है, इन सब मैन्योर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना। बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर जैसे एजोला को यूज कर लिया, इस तरह के सीवीड वगैरह को यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पर, ताकि कुछ न्यूट्रिएंट आ जाएं, तो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। बायो पेस्टिसाइड को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लेडी बर्ड बीटल के बारे में पढ़ा हुआ है ना, वो बीटल क्या करती है, वो बीटल एफिड्स को खा लेती है, तो बायो पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। एंड बायो कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। चलिए बड़ा अच्छा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सहारा ले लिया, लेकिन ये भी काफी नहीं है, कई बार हम इससे भी पीछे रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जो कि कई मामलों में अच्छा तो है लेकिन कुछ लिमिटेशन है, वो भी जानेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग cannot increase the yield of crop to desired extent, organic farming से बहुत ज्यादा पैदावार नहीं की जा सकती। To deal with this problem, the use of genetically modified crops has been introduced. Plants, bacteria, fungi, animal whose genes have been changed by manipulation are called genetically modified organic.
ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर जीन में कुछ छेड़छाड़ करी, उसके क्रोमोसोम में कुछ फेर बदल किया, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन किया। जाहिर सी बात है कुछ हार्म तो नहीं करने के इरादे से करेंगे, मॉडिफिकेशन के इरादे से करेंगे, तो इनको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओज, यही है जीएमओज। तो चलिए बात करते हैं, तो प्लांट भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, एनिमल है, सब है जीएमओ। नाउ क्रॉप्स, क्योंकि हमारा अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो क्रॉप से रिलेटेड चल रहा है, तो हम क्रॉप्स को समझेंगे। क्रॉप्स इन विच फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब फॉरेन जीन का मतलब क्या हो गया, किसी दूसरी कंट्री से ला करके, नहीं, फॉरेन जीन का मतलब हो गया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन। हमारे प्लांट क्रॉप में हम किसी और दूसरे प्लांट की जीन या किसी माइक्रोब की जीन, कोई भी अलग से जीन अगर हमने डाल दिया यहां पर, तो उसको कहेंगे फॉरेन जीन। तो ऐसा क्रॉप जिसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कौन से तरीके से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स बोल सकते हैं। तो जीएम क्रॉप में देख लीजिए, ये एप्पल है, एप्पल में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, दिख रहा है इंजेक्शन लग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसी पिक्चर्स बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन एक्चुअली ये इस चीज को तो जरूर इशारा कर रही है कि लैब में तैयार किया गया कुछ जीन के साथ छेड़छाड़ किया गया, लेकिन कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि इंजेक्शन लगाने से एप्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। ध्यान रहे बेटा, इंजेक्शन लगाने से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला। इंजेक्शन से क्या हो रहा है, यहां पर सैंपल लिया जा रहा है, उसको चेक किया जाएगा, उसको किया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई इंजेक्शन है, एक तैयार मटेरियल है, ले जाके इंजेक्शन लगा दिया, वो बन गया जी जेनेटिकली मॉडिफाइड। नो, नॉट एट ऑल, वो प्रोसेस नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिज्म को बनाने का। तो कौन सा प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप जान ही चुके हैं। हमने आपको बैक के बारे में बता दिया, यैक के बारे में बता दिया, प्लास्मिड के बारे में बता दिया, अब कौन कौन सी प्लास्मिड को कैसे कैसे यूज करना ये भी बताएंगे। जीन गन भी बता दिया, कभी कभी डायरेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, है बात कि नहीं। वेक्टर के थ्रू भेज दीजिए, वेक्टर भी समझ चुके हैं, तो ये चीजें आपको पता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मुद्दे की बात पर, असली बात पे। ये तो इंट्रोडक्शन था, आप समझ ही चुके। नाउ ट्रांसजीनिक प्लांट्स, यानी कि जिस प्लांट के अंदर हमने जीन को डाला वो ट्रांसजीनिक हो गया, कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द प्लांट इन विच फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड ट्रांसजीनिक प्लांट्स, ठीक है। देयर आर टू टेक्निक फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इनटू द प्लांट सेल जीनोम। प्लांट के जीनोम में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के प्रमुख दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज विच आर द टू मेजर वेज, कौन कौन से हैं भाई, थ्रू अ वेक्टर, एक किसी वेक्टर को यूज करिए और भेज दीजिए। वेक्टर जैसे कि क्या था, वेक्टर जैसे था कि हमने देखा प्लास्मिड वेक्टर या बैक वेक्टर या यैक वेक्टर, अलग अलग तरह के वेक्टर को बनाया। और वेक्टर को भेजने का भी एक तरीका होता है, किसी बैक्टीरिया को यूज करके जिसके अंदर वो वेक्टर है उस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। तो पहला पॉइंट है थ्रू अ वेक्टर, और दूसरा पॉइंट है थ्रू डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, खुद डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया डीएनए को। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, जीन गन, बायोलिस्टिक मेथड, आप ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इन दोनों ही तरीकों से हम ट्रांसजेनिक प्लांट को बना सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट को किसी वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे अटेंशन की मुद्रा में ध्यान से इसको समझें कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे संभव हुआ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो पहला पॉइंट यहां आप देख रहे हैं, एक प्लास्मिड की बात कर रहे हैं, टी आई प्लास्मिड, टी आई प्लास्मिड, कैपिटल टी और स्मॉल आई, ये दो चीजों को लगा करके प्लास्मिड की बात कर रहे हैं। प्लास्मिड तो आप जानते ही, सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरियाज में पाया जाता है। तो ठीक है, हमने एक प्लास्मिड को ढूंढ लिया जिसका नाम दिया टी आई। अब टी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या, ये समझ लेते हैं। टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। तो ये प्लास्मिड क्या करता है, ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है वही ट्यूमर है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से ट्यूमर बनता है और ट्यूमर से कैंसर बन सकता है। तो ये जो कैंसरस आउटग्रोथ होती है ये एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। प्लांट में हम ट्यूमर तो देखते हैं लेकिन हम कैंसर नहीं देखते। क्यों नहीं होता कैंसर प्लांट्स में, उसके पीछे लॉजिक समझ लीजिए क्या है। ट्यूमर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, काफी सारे सेल डिवाइड करके ट्यूमर बन गए, है ना। अब ट्यूमर में क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कैंसरस होता है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरस नहीं होता, लोकल एरिया में ग्रो करके रहता है।
मैलिग्नेंट क्या करता है, दूसरे सेल्स को इंड्यूस करता है। अब ध्यान दीजिए, प्लांट में ब्लड के जैसा सर्कुलेटरी मीडियम नहीं है और प्लांट में बहुत सारा डेड टिश्यू है, जगह जगह पर आपको डेड टिश्यूज मिल जाएंगे, तो उन डेड टिश्यूज की वजह से वो उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन हाँ ट्यूमर बन सकते, ट्यूमर कैन बी इंड्यूस्ड। तो अब भाई एक ऐसा प्लास्मिड ढूंढा गया जो कि प्लास्मिड है ना। नाउ रॉयल ने पूछा है ट्यूमर इज आउटसाइड द बॉडी। नाउ सी, ट्यूमर का आउटसाइड या इनसाइड से मतलब नहीं है, सेल डिवीजन से मतलब है। मान लीजिए मेरी स्किन के ऊपर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, भगवान ना करे हो ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मेरी स्किन पर ऊपर की स्किन में एक आउटग्रोथ शुरू हो गई, यहां पर एक लंप जैसा बन जाए, तो वो ट्यूमर कहलाएगा। अगर हम बात करें मेरे बॉडी के अंदर, मेरे लिवर में ऐसा कुछ हो जाए, मेरे ब्रेन में कुछ हो जाए, नहीं होगा वो तो अलग बात है। आई होप आपको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगा कि मुझे कुछ हो, बट एनीवे, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना, राइट गीता। इतना तो है ही हमारी कंट्री में कि बच्चे चाहते हैं कि उनके गुरुजन बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, है बात कि नहीं, ताकि इस नॉलेज का प्रचार और प्रसार ना बढ़े। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए इन चीजों को लेकर के, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो भाई कैसा मिला हमें, एक प्लास्मिड मिल गया जिसका नाम है टीआई प्लास्मिड। नाम क्यों दिया, क्योंकि उस प्लास्मिड का कैरेक्टर था ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, ट्यूमर का प्रोडक्शन कर सकता है। किसमें कर सकता है, प्लांट्स में कर सकता है। तो कौन से प्लांट में कैसा ट्यूमर होता है, बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा प्लास्मिड हमें मिला। अब प्लास्मिड किसी ना किसी बैक्टीरिया के अंदर ही होता है, तो ये जो टीआई प्लास्मिड है इसको, ये हमें सॉयल बैक्टीरिया से मिला, जमीन में मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। आपने बहुत से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हुआ है, सॉइल बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटेस, हमने बात करी थी कि फंजाई के जैसे रिसेंबल करते हैं, उसी तरह का एक सॉइल बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नाम याद रख लीजिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इस नाम को याद रख लीजिए, सॉइल बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसके अंदर एक प्लास्मिड पाया जाता है, वो प्लास्मिड है ट्यूमर इंड्यूसिंग, वो ट्यूमर करता है। उसी प्लास्मिड को हमने यूटिलाइज कर लिया एज अ वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर टू प्लांट। अब बात करते हैं कि ये करता क्या है। द प्लास्मिड इंड्यूसेस ट्यूमर इन ब्रॉड लीफ प्लांट, जो चौड़ी पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, उन चौड़ी पत्तियों वाले प्लांट में ये अपने आप ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है प्लांट सेल्स में, और उन प्लांट सेल्स में ट्यूमर, राइट, गेटिंग द पॉइंट, इंड्यूस कर सकता। क्या इंड्यूस करेगा, ट्यूमर। कैसे इंड्यूस करेगा, बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा प्लांट सेल में और प्लांट सेल को इंड्यूस करेगा अनकंट्रोल्ड डिवीजन के लिए, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन करके एक तरह का ट्यूमर बन जाएगा। इस ट्यूमर को एक नाम दिया गया है क्राउन गॉल, और एक डिजीज भी है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज प्लांट्स में काफी कॉमन है। तो आप इस पिक्चर में सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, लास्ट पोर्शन जहां पर लिखा हुआ है क्राउन गॉल देखिए, बाकी कुछ मत देखिए। यहां पर देखिए एक ट्यूमरस आउटग्रोथ बन गई है, क्या बन गई है, एक ट्यूमरस आउटग्रोथ दिख रही है। नॉर्मल प्लांट था ये, देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए, नॉर्मल प्लांट था, इसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसके अंदर टी आई प्लास्मिड है। तो टी आई प्लास्मिड कहां पर है, ये देख लीजिए, टी आई प्लास्मिड, ये प्लास्मिड इसके अंदर चला गया सेल के अंदर, किसके, प्लांट सेल के अंदर, और इसने बना दिया जी ट्यूमर। इस ट्यूमर को क्या कहते हैं, क्राउन गॉल कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया को हमने कैसे यूज किया, अब आप ध्यान से सुनते चलिए कि इसको यूज कैसे किया गया। नाउ फॉर यूजिंग टी आई प्लास्मिड एज अ वेक्टर, टी आई प्लास्मिड को वेक्टर के तौर पर यूज करने के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स हैव एलिमिनेटेड इट्स ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टीज वाइल कीपिंग इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए इनटू प्लांट सेल। ध्यान से सुनिए, फिर वापस जाता हूं पिछले डायग्राम में, दिखाता हूं यहां क्या समझना है इसमें। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है, इसके पास एक प्लास्मिड है टीआई प्लास्मिड, वो प्लास्मिड ये इंट्रोड्यूस कर पाता है। तो दो चीजें हैं, पहली चीज ये कि बैक्टीरिया उस प्लास्मिड को प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाता है, पहली चीज, बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस अपने प्लास्मिड को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि वो प्लास्मिड प्लांट के अंदर जाकर के ट्यूमर को इंड्यूस करता है, यानी कि उस प्लास्मिड में एक जीन का पोर्शन है जो ट्यूमर बनाएगा। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से उस पोर्शन को कट कर सकते हैं प्लास्मिड के अंदर जिससे ट्यूमर होगा,
लेकिन बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी जो प्रॉपर्टी मैंने पहली बताई कि बैक्टीरिया अपने प्लास्मिड को प्लांट सेल के अंदर भेज सकता है। तो भेजने का काम तो वो करेगा, लेकिन अगर हमने वो जीन कट कर दी जिससे ट्यूमर कॉज करता है तो ट्यूमर नहीं करेगा। जैसे हमारी कंट्री में चंद्रयान के साथ हुआ, हमने चंद्रयान को धरती की कक्षा के बाहर भेज दिया, कोई शक नहीं, बस वो चांद पर उतर नहीं पाया ठीक से। तो वही काम यहां करना है, हमने प्लांट को इस बैक्टीरिया को भेजने के लिए तो यूज करेंगे कि भाई ठीक है आप भेजिए प्लास्मिड को, आप भेजिए टीआई प्लास्मिड को भेजिए, नाम तो ट्यूमर इंड्यूसिंग ही रहेगा, लेकिन हमने उस टीआई प्लास्मिड में से ट्यूमर इंड्यूस करने वाली जीन को हटा दी। तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फॉर यूजिंग टीआई प्लास्मिड एज अ वेक्टर, रिसर्चर्स हैव एलिमिनेटेड इट्स ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टीज व्हाइल कीपिंग इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए इनटू प्लांट सेल। अब हमारे बड़े काम का है ये प्लास्मिड, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम एज यूजुअल भेजेगा, उसको तो पता नहीं कि हमने मॉडिफाई कर दिया प्लास्मिड को। दिस बैक्टीरियम इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इस बैक्टीरिया का एक और नाम है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है, क्योंकि इसने अपना प्लास्मिड भेजने का एक अनोखा नायाब तरीका बना रखा है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, उसने खुद बनाया हुआ है, तो वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। तो आपको अगर पूछा जाए कि विच वन इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इस चैप्टर में, तो हमेशा जिक्र आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, याद रखिएगा। तो दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बिकॉज जीन्स कैरीड बाय इट्स प्लास्मिड प्रोड्यूस इफेक्ट इन सेवरल पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के कई पार्ट में ये ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है। लेकिन अब हमने तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, अब हम यूज भी करेंगे और ट्यूमर भी नहीं होने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ एक और बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये भी उसी का रिलेटिव है, आप समझ सकते हैं सेम जीनस है, स्पीशीज अलग है राइजोजीन। इसमें होता है आर आई प्लास्मिड, इसका भी ध्यान रख लीजिए बच्चे, टी आई प्लास्मिड तो आपने याद ही किया हुआ, ट्यूमर इंड्यूसिंग आर आई प्लास्मिड। आर आई प्लास्मिड क्या करता है, रूट इंड्यूसिंग, यानी कि बहुत सारे रूटलेट्स बना देगा, एक्स्ट्रा रूटिंग शुरू कर देता है। इसको भी यूज किया जाता है कभी कभी, इसको भी यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, यानी कि ज्यादातर तो हम टीआई प्लास्मिड को यूज करेंगे, लेकिन आरआई प्लास्मिड भी यूज हो सकता है जिसके अंदर रूट इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और काफी सारे रूटलेट बना देता है, यानी कि ज्यादा रूट हेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में, रूटलेट रूट हेयर्स ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे उसमें ट्यूमर बनना शुरू, इसको भी हम यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा रूट ना बनाए, हमारे काम का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उस पूरी की पूरी स्टोरी को एक बार यहां समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। देखिए बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया है ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट ढूंढ निकाली। रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट का क्या मतलब होता है, जहां पर मॉलिक्यूलर सीजर से कट कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को कट कर देंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर, तो वो जगह हमने ढूंढ निकाली और उस जगह पर हमने कट करके, ये देखो यहां कट करके एक टी डीएनए हमने डाल दिया, ठीक है, जिस डीएनए को ट्रांसफर करना है, टी डीएनए ये ट्रांसफर करने वाला डीएनए हमने डाल दिया। अब ये बन गया टी आई प्लास्मिड, प्लास्मिड तो है ये, मॉडिफाई कर लिया हमने अपने डीएनए को डाल करके। अब ध्यान दीजिए यहां पर, द प्लास्मिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से रिमूव किया गया, एंड द टी डीएनए इज कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया, और उसी कट वाले इलाके में एक फॉरेन डीएनए को सेम एंजाइम से कट करके इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो तीन नंबर पॉइंट देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहां पर आपकी जरूरत का डीएनए आ चुका है, किसके अंदर, टी आई प्लास्मिड के अंदर, टीआई प्लास्मिड का वो हिस्सा जहां से ट्रांसफर वाले डीएनए को हमने ऐड करना था, तो टी डीएनए उसको बोल सकते हैं, टी डीएनए एरिया को कट किया मॉलिक्यूलर सीजर से, और हमने अपने जो डीएनए वेक्टर को भेजना था, जिस डीएनए फ्रैगमेंट को भेजना था, उसको भी कट किया सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और कैसे चिपकाया, लाइगेज को यूज करके चिपका दिया, ये प्रोसेस आप जानते हैं, लाइगेज को यूज करके चिपका दिया यहां पर। अब ये हमारे काम का हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लास्मिड बोलेंगे, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वो हमने यूज कर लिया, तो रिकॉम्बिनेंट प्लस टीआई प्लास्मिड है। अब इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लास्मिड को दोबारा भेज दिया गया, जाओ भाई आप बैक्टीरिया के अंदर। अब इस बैक्टीरिया को छोड़ दिया गया, ये गया प्लांट सेल के अंदर गया और इसने इंसर्ट कर दिया अपना टी डीएनए।
डीएनए कैरिंग फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। प्लांट सेल के अंदर जैसे ही इंसर्ट कर दिया, हमने उन सेल्स को निकाल लिया, प्लांट सेल को प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्योंकि एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड किसी प्लांट सेल के अंदर जाएगा, पूरे के पूरे प्लांट को एक साथ नहीं कर देगा, इनफेक्ट कुछ सेल्स को कर पाएगा, क्योंकि वो जहां तक पहुंचेगा वहीं करेगा, वहीं के कुछ सेल्स हम निकाल लेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और उनको माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर के थ्रू फाइनली ग्रो कराएंगे। समझ में आ गई बात? तो देख लीजिए, हमने पेट्री डिश में कैलस का फॉर्मेशन कराया, प्लांट सेल को लेकर के उनको टिश्यू कल्चर से करा करके माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। अनोखी बात यह है कि इस पूरे के पूरे प्लांट में हमारा डिजायर्ड डीएनए पहुंच चुका है। समझ में आ गया सबको? क्राउन गॉल जब होगा तो गॉल तो जितनी जगह पर है वहीं तक पहुंचा, लेकिन हमने तो गॉल का काम ही खत्म कर दिया, हमने तो उस प्लास्मिड में अपने जरूरत का बैक्टीरिया के साथ डीएनए भेज दिया। अब उस डीएनए को जब भेजा तो हमने देखा कि प्लांट के कुछ सेल्स में उसने इफेक्ट किया, जैसे कुछ सेल्स में ट्यूमर करता था उसी तरह से कुछ सेल्स को इफेक्ट किया, उन सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया और पेट्री डिश में ग्रो करा लिया माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर के थ्रू, उसके थ्रू प्लांटलेट बनाया और उस प्लांटलेट के अंदर हमारा डीएनए पहुंच चुका है। अब ये इस कदर पहुंच चुका है कि प्लांट को अगर आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते रहें तो बार बार मिलता रहेगा, राइट नीलकमल? मैं एक बार फिर बताऊंगा इस चीज को, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं पूरी की पूरी स्टोरी, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाई एग्रो बैक्टीरियम एक सॉयल बैक्टीरिया है, मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास एक प्लास्मिड है, वो प्लास्मिड किसी भी चौड़ी पत्ती वाले प्लांट में ट्यूमर कॉज कर देता है, उस प्लास्मिड का नाम दिया टीआई प्लास्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर करने वाला प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड किसके पास है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। तो अभी तो हम पहले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, करता क्या है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, अपने टीआई प्लास्मिड को किसी भी चौड़ी पत्ती वाले प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, दाखिल कर देता है, और जहां वो बैक्टीरिया दाखिल हुआ उस प्लांट में ट्यूमर बन जाता है, उस ट्यूमर के अंदर वो रहता है, बस इतनी सी तो बात थी उसकी, उसी ट्यूमर के अंदर वो अपने लिए निवास स्थान बनाता है, यानी कि वो उस अपने रहने का महल बना रहा है, वहीं से वो न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, प्लांट के अंदर पड़ा रहेगा। साइंटिस्ट ने देख लिया, बोला कि भाई दो बातें हैं, पहली बात क्या है कि बैक्टीरिया अपने प्लास्मिड को भेज पा रहा है, दूसरी बात क्या है वो प्लास्मिड ट्यूमर बना पा रहा है। तो साइंटिस्ट ने ढूंढा कि प्लास्मिड के अंदर कौन सा हिस्सा है जो ट्यूमर बनाता है, उस हिस्से को निकाल दिया, डैमेज कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया को नहीं पता। तो बैक्टीरिया अब भी अपना टीआई प्लास्मिड भेजेगा प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर क्या होगा, डीएनए तो जाएगा लेकिन उस डीएनए में कोड तो है नहीं ट्यूमर करने का, तो ट्यूमर नहीं करेगा। अब हमने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, हमने ट्यूमर वाली जीन तो हटा दी, लेकिन साथ में अपने जरूरत का जीन भी भेजेंगे, यानी कि हम अपने जरूरत का डीएनए का फ्रैगमेंट उसके थ्रू भेजेंगे, टीआई प्लास्मिड के साथ भेजेंगे। और वही मैकेनिज्म यहां पर दिखाया कि हमने किस तरह से बैक्टीरिया के प्लास्मिड को निकाला, ये देखिए बैक्टीरिया के प्लास्मिड को निकाला, अपना डीएनए का टुकड़ा उसके साथ पैक किया, फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया और बैक्टीरिया को बोला जाओ भाई प्लांट को करो इंड्यूस, बैक्टीरिया चला गया, सुन के नहीं क्योंकि उसकी आदत ही है, तो वो प्लांट सेल में गया, पूरे प्लांट में जिस सेल में उसने इफेक्ट किया हमने वो सेल निकाल लिया, क्योंकि पूरे के पूरे प्लांट को वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, प्लांट में हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, सारे सेल्स को थोड़ी मॉडिफाई करेगा, कुछ सेल्स को करेगा, हमने वही सेल पिक कर लिए, उन सेल्स को पिक करके टिश्यू कल्चर का मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, एक पेट्री डिश में कल्चर मीडियम है उसमें प्लांट सेल डाल दिया, वो डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन डाल देंगे, डिवाइड करेंगे बनेंगे छोटे छोटे प्लांटलेट, छोटे छोटे पौधे बनेंगे, उन पौधों को लेकर के मिट्टी में लगा दीजिए, आपका पूरा का पूरा प्लांट तैयार। अब अगर उस प्लांट को आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते रहते हैं तो हजारों जेनरेशन तक करते रहिए, उसके अंदर वो डीएनए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्लांट का जब भी डिवीजन होगा तो डीएनए उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेटेड है, वो प्लांट के काम का है, इतनी सी कहानी है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब बात किसकी देखनी है हमें, अब हम समझने वाले ये जो फॉरेन डीएनए की बात करी गई, ये वाला डीएनए, ये देखिए ये जो टुकड़ा डीएनए, ये किस चीज का डीएनए है, कैसा डीएनए है, किस
डीएनए को भेजना है, यहां पर आ रहा है अब एप्लीकेशन पार्ट कि कौन से डीएनए को हम भेजेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से डीएनए को भेजना है, कैसे डीएनए को भेजना है। नाउ दिस बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया को हमने मॉडिफाई कर लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट ऑल ब्रॉड लीव एग्रीकल्चरल क्रॉप सच एज टोमेटो को इफेक्ट करता है, सोयाबीन को करता है, सनफ्लावर को करता है, कॉटन को करता है। इट डज नॉट इन्फेक्ट सीरियल, लेकिन सीरियल को नहीं करता, यानी कि सीरियल में मॉडिफिकेशन करने के लिए, सीरियल मतलब टीवी सीरियल नहीं, सीरियल क्रॉप्स, गेहूं चावल ये सीरियल्स है, ये पतली लीफ वाले हैं, नैरो लीफ है क्योंकि ये मोनोकॉट है, तो ये डाइकॉट को ही करता है इफेक्ट, ठीक है। इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ कैंसरस ग्रोथ कॉल्ड अ क्राउन गॉल ट्यूमर, कैंसरस यानी कि कैंसर जैसा, लेकिन प्लांट में ट्यूमर होते हैं ज्यादातर, कैंसरस उस तरह का नहीं स्ट्रक्चर होता, लेकिन प्लांट को डैमेज हो सकता है, तो ये बैक्टीरिया करता है, ये तो हमने अभी समझा। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टीआई प्लास्मिड कैरिड बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिसने पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस करी थी क्राउन गॉल। फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पसेस दिस एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स आर डेवलप्ड इन विच ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स आर डिलीटेड। मैंने पहले ही बताया आपको कि हम इसमें से डिलीट करने वाले हैं, क्या डिलीट करेंगे, ट्यूमर कॉज करने वाली जीन को हटा दिया, कहां से हटा दिया, टीआई प्लास्मिड से हटा दिया। These transformed bacteria can still infect plant cell. यानी कि इसकी बैक्टीरिया की वो पहली प्रॉपर्टी कि प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो प्रॉपर्टी रहेगी, समझ में आई बात। वही चीज यहां पर दोबारा दिखाई गई है, देख लीजिए, जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, इस जीन को लगा दिया, ये कर दिया, फिर टिश्यू कल्चर किया, ग्रो करा लिया, और फिर वो देख लीजिए टेस्ट ट्यूब में या माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू हमने प्लांट बना लिया। अब हम समझने वाले हैं जो डीएनए इंसर्ट कराएगा तो वो क्या चीज है। नाउ The part of TI plasmid transferred, the part of TI plasmid transferred into plant cell DNA is called tDNA. यानी कि TI plasmid का वो portion जो कि हमने transfer करना है उसको tDNA बोलते हैं। This tDNA, T का मतलब transfer. This tDNA with desired DNA is inserted into the chromosome of the host plant where it produces copies of itself. ये वही कहानी है जो अभी बताई, सारी की सारी वही कहानी कि भाई टी डीएनए बना लिया हमने, टी डीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए, जो ट्रांसफर करना है कर दिया ट्रांसफर, माइक्रो प्रोपागेशन कर लिया, अब वो अपनी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज बनाता रहेगा उसी के अंदर जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा, क्योंकि जब एक सेल के अंदर पहुंच गया उस सेल से हमने पूरा प्लांट ही बना लिया, तो पूरे प्लांट में अब है, हर जगह पहुंच गया है, यत्र तत्र सर्वत्र पहुंच चुका है वो, क्योंकि हमने उसी एक सेल को या दो सेल या दस सेल जिसके अंदर था उसी से पूरा का पूरा प्लांट बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ सच प्लांट्स आर देन कल्चर्ड, अब उन प्लांट को आप कल्चर करिए, इंड्यूस टू मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म प्लांटलेट, ये वही टिश्यू कल्चर है, ट्रांसफर टू द सॉइल, अब मिट्टी में इनको तब्दील कर दीजिए, देखिए कल्चर कर रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए, फिर ये थोड़े और बड़े हुए, फिर इनको मिट्टी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, डाल दिया गया मिट्टी में, है ना। Now these plantlet grow into mature plant, अब ये mature plant बनेंगे with the foreign gene, इनके पास वो जीन है expressed throughout the plant, यत्र तत्र सर्वत्र, इतनी शुद्ध हिंदी मैंने नहीं बोली आज तक, तो समझ गए पूरे के पूरे प्लांट में ये फैल गए, क्या फैल गया, वो foreign DNA जिसको हमने भेजा था TI plasmid को कंट्रोल करके, उसकी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को कट करा, अपना डीएनए इंसर्ट किया, बोला जाओ भाई आप प्लांट को इन्फेक्ट करो, अब हमें प्लांट मिल चुका है जिसके अंदर हर जगह पहुंच चुकी है वो हमारा पीस ऑफ डीएनए। अब एक और बात कर लेते हैं जी, एक और सॉयल बैक्टीरियम, अभी तक हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को समझा, अब हमने एक और बैक्टीरिया ढूंढा, सॉयल बैक्टीरिया बैसिलस थुरेंगियंसिस, नया बैक्टीरिया है बच्चों, नाम याद रख लीजिए, ये भी मिट्टी में ही पाया जाता है, यानी कि उसी के आसपास का है, पड़ोसी बैक्टीरिया है उसका, तो सॉयल बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम तो अलग हो गया, उसको तो हमने यूज कर लिया कि भाई व्हीकल है, वेक्टर है, दुनिया दुनिया। नाउ एक और बैक्टीरिया लिया बैसिलस थुरेंगियंसिस, ध्यान रखिएगा नाम बैसिलस थुरेंग, अब इसको बीटी बोलते हैं शॉर्ट में, बीटी, इसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, ये बनाता है प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो प्रोटीन कुछ इंसेक्ट को मार देते हैं, यानी कि ये जानलेवा प्रोटीन बनाता है, किसके लिए, प्लांट के लिए नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन प्लांट के लिए ट्यूमर बनाता था, और ये बैक्टीरिया
ये इंसेक्ट को ही मार देता है। कौन से इंसेक्ट को मार देता है? लेपिडॉप्टीरन। लेपिडॉप्टीरन में कौन कौन आ जाते हैं? टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म और कोलियोप्टीरन, बीटल, डिप्टीरन, फ्लाइज, मॉस्क्वीटो। तो लेपिडॉप्टीरन को मार देता है, कोलियोप्टीरन को मार देता है, डिप्टीरन को मार देता है। ये है क्या? ये लेपिडॉप्टीरन, ये कोलियोप्टीरन, ये डिप्टीरन, ये क्या है? ये सारे के सारे फाइलम अर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं। अलग अलग मेंबर हैं। तो लेपिडॉप्टीरा, कोलियोप्टीरा, लेपिडॉप्टीरा में बटरफ्लाई भी आती है, कोलियोप्टीरा में बीटल आते हैं, डिप्टीरा में मक्खी आते हैं, मच्छर आते हैं। तो ये सारे के सारे है ना, यानी कि क्लास इंसेक्टा लेपिडॉप्टीरन को मार देता है। उसमें टोबैको बर्ड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है, और भी बात करेंगे, और भी कई सारे पढ़ेंगे। कोलियोप्टीरन को मार देता है। तो मतलब सॉयल बैक्टीरिया बैसिलस थुरैंगियंसिस, जिसका नाम बीटी है, वो इतना कमाल करता है। अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते अदरवाइज, है ना। लेकिन इसको हम क्या करें, हमने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और बोला इसके अंदर जो प्रोटीन है जो इन लेपिडॉप्टीरन को, कोलियोप्टीरन को, डिप्टीरन को मार देती है, वो क्या है? उसको ढूंढा गया, प्रोटीन ढूंढी गई। अब प्रोटीन को कौन बनाता है? आप पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में भी कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। राइबोसोम कैसे बनाता है प्रोटीन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। मैसेंजर आरएनए उसके साथ अटैच होता है और ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है ना। मैसेंजर आरएनए कहां से आता है? डीएनए से आता है। यानी कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए के पास जीन होती है जो कि एक डीएनए का पोर्शन है, वही जीन मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होती है, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है और ट्रांसलेट करता है किसमें? प्रोटीन में। समझ में आ गई बात? प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है। तो ध्यान दीजिए, बैसिलस थुरैंगियंसिस यानी कि बीटी फॉर शॉर्ट फॉर्म सम प्रोटीन क्रिस्टल। ये एक तरह का स्पेशल प्रोटीन बनाता है। इन प्रोटीन क्रिस्टल्स की मान्यता है कि दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन क्रिस्टल बनते हैं ये इंसेक्ट को मार देते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटीन बैक्टीरिया बीटी या बैसिलस थुरैंगियंसिस बना रहा है इंसेक्ट को मारने के लिए, ये खुद बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देते? आएगा ना ये प्रश्न कि भाई प्रोटीन बैक्टीरिया ने बना रखा है इसको मारने के लिए, ये दुनिया भर के जो कीड़े हैं इनको मारने के लिए, लेपिडॉप्टीरन, कोलियोप्टीरन, डिप्टीरन, सबको मारने के लिए जो प्रोटीन बना रखी है, वो प्रोटीन खुद उसको क्यों नहीं नुकसान करती? तो बच्चे ध्यान से सुनिए, इनको मारने का जो कंडीशन है वो एल्कलाइन है। एल्कलाइन, एल्कली, क्षारीय, अम्लीय नहीं, अम्ल यानी कि एसिड है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर, जो भी आपने बैक्टीरिया आज तक पढ़े, बैक्टीरिया के अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, हमारे दांत सड़ जाते हैं बैक्टीरिया के एसिड के कारण, फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बनाते हैं। लेकिन एल्कलाइन वाला बैक्टीरिया आपने सुना है क्या कभी? साबुन से धोने से बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होती है, हाथ धोने से क्या सारे बैक्टीरिया मरेंगे? नहीं मरेंगे। दैट मींस बैक्टीरिया एल्कलाइन कंटेंट को पसंद नहीं करते ज्यादातर, कुछ बैक्टीरिया, उसमें भी अपवाद होते ही हैं, एक्सेप्शंस तो बैक्टीरिया क्योंकि हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है बैक्टीरिया तो हर जगह है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया एसिडिक कंटेंट वाले होते हैं। तो ये जो बैसिलस थुरैंगियंस, इसके पास भी एसिड है और एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटीन क्रिस्टल कोई नुकसान नहीं करते। अब एल्कलाइन कहां से आएगा? एल्कलाइन बैक्टीरिया के पास नहीं है, लेकिन ये जो लेपिडॉप्टीरन है, कोलियोप्टीरन है, डिप्टीरन है, इनके लार्वा वगैरह में एल्कलाइन होता है, वहीं पर वो प्रोटीन क्रिस्टल एक्टिव हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ द बीटी टॉक्सिन यानी कि बैसिलस थुरैंगियंसिस की जो टॉक्सिन है, प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ दैट लार्वा है ना, दैट सॉल्यूबलाइजेज द क्रिस्टल। अब इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी की लाइन कई बार कंफ्यूजन कर देती है, तो मैं समझा देता हूं, मुझे भी टाइम लगा था इसको समझने में, लेकिन आप लोगों के लिए अब क्लैरिटी के साथ मैं बता देता हूं। देखिए हुआ ये, जो बैक्टीरिया है बीटी बैसिलस थुरैंगियंसिस,
वो बनाता है प्रोटीन, राइट। तो वो प्रोटीन उसने बना दिया, अब बैक्टीरिया ने प्रोटीन बना दिया, अब अगर उस प्रोटीन को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, गलती से किसी इंसेक्ट ने प्रोटीन को खा लिया, तो वो प्रोटीन उसके गट में जाकर के अल्कलाइन पीएच है वहां पर वो मिक्स होगा एलिमेंट्री केनाल और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंसेक्ट का लार्वा मर सकता है। हेडिंग द पॉइंट। लेकिन इंसेक्ट के लार्वा को मारने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया को आक्रमण करना पड़ेगा ना, अगर बैक्टीरिया बैसिलस थुरेंगियंसिस इन्फेक्शन करेगा उसको तब वो मरता है नेचुरली। साइंटिस्ट ने देख लिया ये चीज कि भाई बैसिलस थुरेंगियंसिस जो बैक्टीरिया है वो एक इनएक्टिव प्रोटीन बना के रखता है, जैसे ही कीड़े के अंदर वो प्रोटीन जाता है कीड़े के लिए दिक्कत हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, साइंटिस्ट ने कहा कि वो प्रोटीन हमें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कैसे मिलेगा, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम प्लांट में यूज करेंगे, लेकिन कितना प्रोटीन बनाओगे, प्लांट के किस हिस्से में, कब इंफेक्शन होगा, कब ये इंसेक्ट उसको खाने की कोशिश करेगा। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बोले कि नहीं, जड़ तक जाना है, किसी भी बात की जड़ तक जाना है, तो हिसाब लगाया जाने लगा। क्या हिसाब लगा, ध्यान से सुनिए, हिसाब ये लगा कि बैक्टीरिया क्या बनाता है जी, प्रोटीन बनाता है। कैसा प्रोटीन बनाता है, एक इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बोल दिया उसको, वो प्रोटीन बनाता है। तो बैक्टीरिया प्रोटीन कैसे बनाता है, तो बैक्टीरिया के पास प्रोटीन बनाने वाली जीन है, जीन का मतलब है पार्ट ऑफ डीएनए, अच्छा जीन है, तो बोला चलो ठीक है उस जीन को निकाल लो, कहां से निकाल लो, बीटी बैसिलस थुरेंगियंसिस के प्लास्मिड से निकाल लो वो जीन निकाल ली गई। अब जीन का करेंगे क्या, एक है ना दूसरा टीआई प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, उसी टीआई प्लास्मिड में डाल दो, टीआई प्लास्मिड में डाला और वो जो हमारा बीटी टॉक्सिक प्रोटीन बनाने वाला जीन है टीआई प्लास्मिड ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ने ट्रांसफर कर दिया हमारे प्लांट में, फिर प्लांट से प्लांटलेट बनाया, प्लांटलेट को उगा लीजिए, हर एक प्लांट के पार्ट में अब वो जीन आ गई जो वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाएगी और प्लांट में वो टॉक्सिन आएगा, प्लांट के हर पार्ट में वो टॉक्सिन प्रेजेंट है। अब खा के तो देखे कीड़ा प्लांट को, जिस पार्ट को भी खाया उसके अंदर जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव हो गया, कीड़ा मर गया, अब आपका क्रॉप सुरक्षित, अब आपका क्रॉप सुरक्षित, समझ में आई बात। तो अब देखिए द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल, मिड गट होता है ना फोर गट, जहां से माउथ स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है, फोर गट मिड गट बीच में, जब वो बीच में पहुंचता है क्योंकि कीड़े ने पत्ती को खाया, तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन जैसे ही मिड गट में पहुंचा वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहां पर छेद कर देता है, इंसेक्ट के मिड गट में एपिथेलियल सेल में छेद हो जाते हैं, विच कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। अब बेचारे के सेल ही डेड हो गए तो बेचारा मर गया। ये देख लीजिए कॉटन बॉल वॉर्म, ये देखो जी कॉटन, जरूरी नहीं कॉटन में यूज करेंगे, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ये देखो ये कीड़ा है, ये खा के मर गया, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को खा के मर गया, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को कैसे भेजा गया ये मैंने आपको टीआई प्लास्मिड के माध्यम से बताया, यानी कि दोस्ती हो गई दोनों बैक्टीरिया को लेकर के, टीआई प्लास्मिड एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से ले लिया गया, बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरेंगियंसिस से ले लिया गया, दोनों को मर्ज करके भेज दिया गया कॉटन के अंदर, कॉटन प्लांट को प्रोड्यूस कराया गया लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर के थ्रू, अब उस कॉटन को खा के दिखाए कोई कीड़ा नहीं खा सकता, हमारा क्रॉप सुरक्षित हो गया, यही है बीटी कॉटन, राइट। अब ध्यान से समझिए इस बात, बीटी टॉक्सिक जीन्स वेर आइसोलेटेड, कहां से ये जीन आइसोलेट करी गई थी, बैसिलस थुरेंगियंसिस से, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स सच एज कॉटन, कई क्रॉप्स में, सिर्फ कॉटन में नहीं, कॉर्न में भी, भुट्टे में, मक्के में भी डाला गया। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब कई तरह के, एक ही टॉक्सिन नहीं है, कई तरह की टॉक्सिक है ना, और उन कई तरह की टॉक्सिन को बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह की जीन्स हैं बैसिलस थुरेंगियंसिस के पास, उन सब जीन्स को निकाला गया। तो अब देखिए द टॉक्सिन इज, जो टॉक्सिन की बात हम कर रहे हैं, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड एज क्राई, जीन का नाम है क्राई, जीन का नाम है क्राई, और जीन के नाम को जब लिखेंगे तो सी स्मॉल रखेंगे, सी आर वाई। अब ये क्राई जीन क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, क्राई प्रोटीन, सी आर वाई। तो डिफरेंस क्या है, जीन को हम स्मॉल में लिखेंगे और प्रोटीन में पहला लेटर कैपिटल होगा, समझ में आ गई बात।
ये थोड़ा सा नामकरण का डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो द टॉक्सिक टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम क्राई। अब क्राई कितनी तरह की जीन है, एक ही जीन नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक जीन है क्राई वन ए सी, नाम याद रखिएगा, ये कॉटन बॉल वॉर्म को मार देती है। कॉटन बॉल, कॉटन यानी कि कपास, जो उसका बॉल बनता है ना कॉटन बॉल, उसको खराब कर देता था कॉटन बॉल वॉर्म। उसका लार्वा कपास के अंदर से निकल आता था, बड़ा होके लार्वल कंडीशन में अंदर अंदर खा लेता था कॉटन के बॉल के अंदर, जो कॉटन बॉल होता है, कॉटन का पॉड होता है, उसके अंदर का टिश्यू डैमेज कर देता था और बाहर निकल आता था छेद करके। तो कॉटन बॉल के अंदर जब कॉटन बनता है ना, तो जब सीड का डिस्पर्सल होना होता है तो वो फटता है, से फट से जब वो फटता है तो पूरा कॉटन बॉल आ जाता है, पूरे के पूरे रेसे मिल जाते हैं। लेकिन अंदर अंदर अगर वो खा गया तो वो कैसे करेगा, जैसे आपने पॉपकॉर्न देखा, मकाई आप भूनिए उसको तो फट से ऐसे फटता है, लेकिन खराब दाना होगा तो नहीं फटेगा, ढंग से नहीं आएगा। तो ये है कहानी। तो कौन कौन सी जीन आइडेंटिफाई हुई, उन जीन के नाम याद रखिए, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, दो तरह की जीन है, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी। इसमें जो वन और टू है वो रोमन अल्फाबेट में लिखा जाता है, फिर आगे नंबर्स हैं, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ये दोनों के दोनों कॉटन बॉल वॉर्म से रक्षा करते हैं। और एक तीसरा है क्राई वन ए बी, क्राई टू ए बी नहीं, क्राई वन ए बी, ये कॉर्न बोरर में काम आता है। कॉर्न बोरर का मतलब क्या होता है, भुट्टे की स्टेम में बोरिंग कर जाता है, बोर करके छेद करके निकलता है कॉर्न, भुट्टे में खराब हो जाता है, तो उससे अगेंस्ट में रक्षा करता है। तो इनको हम यूज कर सकते हैं, हाँ जी, क्राई टू ए बी फॉर क्राई वन ए बी फॉर कॉर्न बोरर, क्राई टू ए बी फॉर कॉटन बॉल, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए दो तरह के हैं। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हैव अ लुक हियर, वो वही सारा का सारा स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया। देखिए बच्चों, बैसिलस थुरेंगियंसिस, बैसिलस थुरेंगियंसिस के पास दो चीजें हैं, ये देख लीजिए यहां दोनों चीजें, एक है एंडोटॉक्सिन जो इस तरह से एक रोम्बस जैसा बना दिया गया, और एक है स्पोर, बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं, तो बैसिलस थुरेंगियंसिस है ना, ये देख लीजिए बैक्टीरियल थुरेंगियंसिस का इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन माने ये जो हमारा कैटरपिलर है खा रहा है पत्ती में से, देख लीजिए पत्ती में से दोनों चीजें खा रहा है, एंडोटॉक्सिन भी जा रहा है, स्पोर भी जा रहा है। अब इसके जब गट में गया तो देख लीजिए यहां पर पीएच दिखाया गया है, पीएच, और ये प्रोटॉक्सिन है ना, सॉल्यूबलाइजेशन हो गया और यहां पर छेद हो जाता है, ये देख लीजिए यहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बाइंडिंग रिसेप्टर इसके एपिथेलियल में जाके बाइंड कर गया है ना, और ये देखिए पोर फॉर्मेशन हो गए, छोटे छोटे छेद हो गए इसके एपिथेलियल। इतना बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने इस चीज को यहां इंक्लूड कर लिया। और ये देख लीजिए इंसेक्ट मर गया, क्योंकि छेद हो गए तो फिर जिंदा कैसे रहेगा, मर ही जाएगा, तो वो मर गया, ठीक है, समझ में आ गई, बस इतनी सी बात है। नाउ अब ध्यान दीजिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक जीन सिंबल यूजुअली हैज अ स्मॉल लेटर एंड इज इनवेरिएबली इन इटैलिक्स। जीन को हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है और स्मॉल लेटर है ना, इटैलिक्स में प्रिंट करा जाएगा, रिटन में तो आप वैसे ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर होना चाहिए, सी आर वाई, ये जीन को लिखने का तरीका है। नाउ फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोटीन सिंबल ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज कैपिटल, जैसे क्राई प्रोटीन, तो क्राई प्रोटीन जब बोलेंगे तो सी कैपिटल होगा और क्राई जीन बोलेंगे तो सी स्मॉल होगा। नाउ गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू अलाउ कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया है, क्योंकि कॉटन जो है कैश क्रॉप है, इससे किसानों को बहुत इनकम होती है, कंट्री को भी बहुत फायदा होता है, मुनाफा होता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है। आई होप ये आपको बीटी कॉटन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कितनी बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया बढ़िया बॉल, बड़े बड़े बॉल कॉटन के फट रहे हैं, खुल रहे हैं, खिल रहे हैं, है ना, सीड डिस्पर्सल के लिए ये खुलते हैं, जैसे ही सीड डिस्पर्सल के लिए खुलते हैं उसी टाइम पे हार्वेस्ट कर लिया जाता, नहीं तो उड़ जाएंगे, इनके अंदर तो सीड होती है ना, तो ये सीड को लेकर के रेशे उड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट को तो कॉटन नहीं बनाना था, प्लांट को तो अपना सीड डिस्पर्सल करना, अब वो सीड डिस्पर्सल करने में जो रेशे निकलते हैं उन रेशे को निकाल करके हम कपड़े बनाते हैं, तो हम अब बॉल की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं फटने के टाइम पर ही, और कोई उसमें जो हमारा लार्वा था, लेपिडॉप्टेरन था, कॉटन बॉल वॉर्म था, वो कुछ काम नहीं करेगा, अब वो नुकसान नहीं कर पा रहा, पॉड को ब्रेक नहीं कर पा रहा, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और बेहतरीन वैरायटी जिसका नाम है फ्लेवर सेवर ट्रांसजीनिक टोमेटोज। तो अब जो बीटी कॉटन है उसके माध्यम से हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, और उस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में क्या आया कि किस तरह से जीन को ट्रांसफर करना है। अब एक तरीका तो आपको समझ में आ गया कि टी आई प्लास्मिड के माध्यम से हम किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कहीं भी,
दूसरे तरीके भी हैं, अब समझ लेते हैं कि ट्रांसजीनिक टोमेटो कैसे बनाए गए, क्योंकि इसमें हर एक तरीके को नहीं दिया गया है इतना डिटेल में, लेकिन अलग अलग टाइप जरूर दिए गए। तो एक टमाटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया फ्लेवर सेवर, मार्केटिंग वालों ने ऐसा नाम रखा। आप हो सकता कुछ अच्छी चटनी वाला टमाटर रखते या लाल टमाटर कुछ भी रख सकते थे, तो इसका नाम रखा गया फ्लेवर सेवर। ये नाम याद रखिएगा, फ्लेवर सेवर, एफ एल ए वी आर, वो पूरा इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, एफ एल ए वी ओ यू आर नहीं है, फ्लेवर सेवर, थोड़ा सा जो है स्पेशल टाइप का नाम रखा गया फ्लेवर सेवर, है ना, नाम याद रखिएगा फ्लेवर सेवर। क्या है ये? ट्रांसजीनिक टोमेटो है, एक्सप्रेशन ऑफ अ नेटिव टोमेटो जीन हैज बीन ब्लॉक्ड। इसमें क्या किया गया? इसमें वही काम किया गया जैसे कि टीआई प्लास्मिड में हुआ था। तो टीआई प्लास्मिड में क्या किया गया था? जो ट्यूमर क्राउन गॉल इंड्यूस करने वाला प्रॉपर्टी थी उसको ब्लॉक कर दिया गया था ना, उसको कट कर दिया गया था। इसमें एक टमाटर की नेटिव जीन है, उस नेटिव जीन को ब्लॉक किया गया। अब पहले जानते हैं वो जीन करती क्या है, जिस नेटिव जीन की हम बात कर रहे हैं वो नेटिव जीन करती क्या है, पहले ये समझ लीजिए, है ना। और घो को देखिए, काफी मजा आ गया, अच्छी चटनी वाला टमाटो। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, ये फ्लेवर सेवर टमाटो अच्छी चटनी नहीं बनाते, केचप जरूर बना सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान देते हैं उस जीन की बात कर लेते हैं, नेटिव टोमेटो की जीन, जो देसी नेटिव टोमेटो माने देसी टमाटर। देसी टमाटर छोटे छोटे होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं, लेकिन उनमें एक जीन होती है, वो जीन बड़ी बेकार होती है। वो करती क्या है? जीन प्रोड्यूसेस एन एंजाइम। जीन तो प्रोटीन बनाएगी, कोई भी जीन प्रोटीन बनाने का ही काम करती है। यहां पर भी जो जीन है वो प्रोटीन ही बनाएगी, और वो प्रोटीन है एक तरह का एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। ये देखिए, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, याद रखिएगा इस जीन का नाम क्या है जी, एंजाइम है, जीन नहीं है, जीन ने एंजाइम बनाया। जीन किसमें है? देसी टमाटर में है। नेटिव टमाटो के पास एक जीन है, और जीन बनाती है एक एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, और ये पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज टमाटर को बहुत जल्दी गला देता है, सेल वॉल रप्चर हो जाती है, टमाटर जल्दी गल जाता है। तो देसी टमाटर अगर आप लेकर के आए कभी मार्केट से, घर में रखिए, तो आप देखेंगे कि देसी टमाटर एक दिन दो दिन में वो गलने लग जाते हैं, ऊपर की स्किन पतली होती है, धब्बे पड़ जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है और पिलपिला हो जाएगा थोड़े टाइम में, फेंक देंगे आप। अब टमाटर, टोमेटो कैश क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। अब सोचिए, फार्मर ने टमाटर बनाया और वो गल जाए, कौन खरीदेगा? या खरीदेगा भी तो कम खरीदेगा। तो अच्छा, दूसरा खरीदने की बात छोड़िए, दुकान में रखा हुआ है टमाटर, पता लगा बिका नहीं, तीन दिन चार दिन में खराब हो गया, फेंक दिया, तो नुकसान हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा टमाटर बनाया जिसके अंदर उस जीन को ब्लॉक कर दिया जो जीन बनाती थी पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, जो कि सॉफ्टन कर देता था टमाटर की स्किन को, सॉफ्ट कर देता था। तो उस जीन को ही हटा दिया गया। अब टमाटर रखा भी रहेगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा, ज्यादा दिनों तक चलता है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम वॉज रिड्यूस्ड इन द फ्लेवर सेवर ट्रांसजीनिक टोमेटो। इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ही रोक दिया गया। बोले अब खराब करके दिखाओ टमाटर, टमाटर भी पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है दुकान में, आप आज गए हो सकता वही टमाटर दिखे, कल गए दुकानदार ने आपको वो ना लगे, टमाटर को इधर उधर कर दिया, आपको लगा नहीं नया टमाटर आया, लेकिन क्या पता वो वही टमाटर। इतना ही नहीं, एक हफ्ते बाद भी जाएंगे तो भी वो टमाटर खराब नहीं होता इतनी जल्दी, क्योंकि उसको गलाने वाला जो केमिकल बनता था नेचुरली देसी टमाटर में, जिसको कहते हैं पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, वो बन ही नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर उसकी जीन को ही ब्लॉक कर दिया गया। समझ गए, ये है फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया टमाटर है, खाने में वो टेस्ट नहीं रहा। एनीवे, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस एंजाइम प्रिवेंट ओवर राइपनिंग, ज्यादा पकने की जो टेंडेंसी थी उसको रोक कर दिया। तो ये एंजाइम अब मिल नहीं रही, तो ज्यादा ओवर राइपनिंग की जो टेंडेंसी थी, विच इज एसेंशियल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, वो रुक गई। डिग्रेडेशन सेल वॉल को गला देता था, सड़ा देता था, नष्ट कर देता था। तो दस फ्रूट रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड, ज्यादा वक्त तक फ्रेश रहेंगे, एंड देन द फ्रूट ऑफ नॉर्मल टोमेटो वैरायटी, यानी देसी टमाटर के मुकाबले ये जो टमाटर हैं ये ज्यादा दिनों तक ताजे रहेंगे। समझ में आई बात? नाउ
अब एक और बात कहते हैं, इट रिटेन्स फ्लेवर, ऐसा मानना है कि इससे फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आता, हैज सुपीरियर टेस्ट, कहते हैं टेस्ट भी अच्छा है उससे, देसी टमाटर से, एंड हायर क्वालिटी ऑफ टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, यानी कि टमाटर का साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड बढ़ गए, टेस्ट भी अच्छा आने लगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो देसी टमाटर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, वैरायटीज के होते हैं, लेकिन जो चालानी टमाटर होते हैं, बड़े साइज के टमाटर जिनको फ्लेवर सेवर कहते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी स्किन मोटी सी होती है। आप देखिए सैलेड काटिए कितना बढ़िया सैलेड बनता है, देसी टमाटर में सैलेड कहाँ अच्छे बन पाते हैं, जैसे आप छल्ले निकालेंगे वो गल से जाते हैं। आई बात समझ में? अब सुपीरियर टेस्ट क्यों? क्योंकि भाई सुपीरियर टेस्ट यानी एक जैसा टेस्ट है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लग सकता। मेरे घर में तो चटनी हमेशा देसी टमाटर से ही बनती है। चलिए बच्चों, तो ये रहा फ्लेवर सेवर टमाटोज, जो कि ट्रांसजीनिक टमाटो है, और कैसे बनाया गया ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया। अब बात करते हैं गोल्डन राइस की। ट्रांसजीनिक मैकेनिज्म के बारे में समझ गए, नाउ गोल्डन राइस के बारे में समझ लेते हैं। गोल्डन राइस फायदे का है, वाकई में फायदे का है, क्योंकि राइस में क्या होता है, विटामिन नहीं होता, विटामिन की मात्रा बहुत कम होती है, सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है ज्यादा। लेकिन ऐसा देखा गया कि कंट्री के बहुत से इलाकों में, इवन वर्ल्ड वाइड, राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप, बहुत से लोगों का खाना है राइस, राइस को खा करके ही बहुत से लोग पूरे वर्ल्ड में जिंदा है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेपल फूड। राइस के बाद आता है वीट, वीट को पहले नहीं रखा जाता, राइस को सबसे ज्यादा स्टेपल फूड बोला जाता है। अब ये भी देखने में आया कि ऐसे इलाकों में जहां राइस खाने वाले लोग ज्यादा हैं, वो कई बार बाकी सब्जियां वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, या गरीबी में रहते हैं, है ना, या सब्जियां नहीं मिली कभी, तो वो क्या करते हैं, राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइस को बॉईल किया, चाहे फिश के साथ खा लिया, नमक के साथ खा लिया, किसी भी तरीके से खा लिया। अब ज्यादा सिर्फ राइस ही खा रहे हैं, राइस ही खा रहे हैं, राइस ही खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और सबसे जरूरी विटामिन कौन सा, विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए से हमारी आंखों की दृष्टि बनी रहती, बहुत सारी चीजें हैं, तो विटामिन ए। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा अनोखा उपाय निकाला कि बोला कि एक ऐसी जीन डाल दी जाए कि जब राइस प्रोड्यूस हो तो उसके अंदर विटामिन अपने आप आ जाए, क्योंकि विटामिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है जिससे बनता है, प्रोटीन मटीरियल से ही तो बनता है, प्रोटीन लिपिड कई चीजों को मिला करके बनता है ना, तो वो सारा का सारा सेल से ही बनता है। तो देख लीजिए, ये गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजीनिक वैरायटी ऑफ राइस, राइस का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, आपको पता है। नाउ ये गोल्डन राइस क्या कंटेन करता है, गुड क्वांटिटीज ऑफ बीटा कैरोटीन बन जाता है इसके अंदर, बीटा कैरोटीन प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट में पाया जाता है, सेल में हमने पढ़ा है, पिगमेंट्स में पढ़ा है, तो बीटा कैरोटीन बन जाता है। अब ये बीटा कैरोटीन क्या है, इसको प्रो विटामिन ए बोलते हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन ए, एक तरह का इनएक्टिव कंडीशन है विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में बन जाता है, समझ गए बात। तो बीटा कैरोटीन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस में प्रोड्यूस होगा, तो बीटा कैरोटीन खाने से हमारी बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म होकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सिंस द ग्रेन्स या सीड ऑफ द राइस आर येलो इन कलर ड्यू टू बीटा कैरोटीन, द राइस इज कॉमनली कॉल्ड गोल्डन राइस, क्योंकि बीटा कैरोटीन का कलर तो आपको पता है, गाजर का कलर जो है वो कैरोटीन की वजह से है, बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन का येलो कलर होता है ना, तो जिसकी वजह से जो राइस के ग्रेन है व्हाइट ना होके येलोइश होते हैं, तो जब येलो येलो टाइप के दिखते हैं तो उनका येलो नाम रख के गोल्डन नाम रख दिया गया, गोल्डन राइस, क्योंकि वो गोल्डन कलर के दिखते हैं, चावल का दाना थोड़ा सा येलो टाइप का होगा, इस वजह से उसको गोल्डन राइस कहते हैं। और उसको खाने से विटामिन ए की आपूर्ति होती है, अच्छी पहल है वैसे उन इलाकों में जहां पर बहुत मुश्किल से मिलता है विटामिन। नाउ दिस गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, ये काफी रिच है विटामिन ए में, इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल एज इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। विटामिन ए हमारी आईज की रेटिना की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, डिम लाइट में, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, स्किन डिसऑर्डर भी करता है, इस तरह की कुछ बीमारियां होती। नाउ सिंस द कंटेंट ऑफ विटामिन ए आर वेरी लो इन राइस, विटामिन ए क्यों होगा राइस में, राइस थोड़ी है विटामिन ए का मेजर कैरियर, तो नहीं है। नाउ विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन व्हिच इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, तो इस वजह से ऐसी जीन डाल दी जो बीटा कैरोटीन को बनाए। तो देख लीजिए बच्चों, ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप चावल है, राइस है, ये गोल्डन राइस एक है,
वन ऑफ द स्ट्रेन, ये गोल्डन राइस दूसरा स्ट्रेन है, तो किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन ये दोनों ही गोल्डन राइस की अलग अलग वैरायटीज हैं। समझ में आ गई बात? राइस, राइस यानी कि चावल, चावल की वैरायटीज है। देख लीजिए वो दानों को दिखाया गया, कलर भी आपको देख करके क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि गोल्डन राइस दिखता कैसा है। ये देख लीजिए दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। तो ये वाला जो है ये नॉर्मल राइस है पहला वाला, और दूसरा वाला ये जो आप देख रहे हैं दिस इज गोल्डन राइस। आई बात समझ में? तो ये है सारी की सारी कहानी। तो हमने क्या क्या सीखा आज? हमने आज के सेशन में हमने ट्रांसजीनिक क्रॉप्स के बारे में समझा, और एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजों को यूटिलाइज किया गया ये समझा, और हमने ये समझा कि बीटी कॉटन को कैसे बनाया गया, बीटी कॉटन के अलावा फ्लेवर सेवर टोमेटोज कैसे बनाया गया, गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, और जो फ्लेवर सेवर टोमेटोज हैं उनमें जो जीन है वो जीन क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है पॉलीगैलेक्टुरोनेज, तो उस पॉलीगैलेक्टुरोनेज को रोक दिया गया बनने से, तो टमाटर का गलना भी बंद हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्लेवर सेवर टोमेटोज, राइट? समझ में आई बातें? आज के सेशन में जितनी चीजें हमने डिस्कस करी ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान रखना, और कोई डाउट आए तो जरूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। अब एक और आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांसजेनिक क्रॉप को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन देखने, कहां एप्लीकेशन किया गया, और उन सबको याद रखने की कोशिश करिएगा बच्चों, है ना। सेशन मैंने जरूर थोड़ा सा बड़ा रखा है, लेकिन ये जरूर ध्यान दिया है कि आप लोग कोई भी चीज छूटे नहीं, आप लोग किसी चीज के थ्रू रश थ्रू ना करें और आराम से समझ में आए। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, टोबैको यानी कि तंबाकू, ये भी एक कैश क्रॉप है। तो देखिए बच्चों सारी कैश क्रॉप या एसेंशियल क्रॉप्स को लेकर के ही चेंजेस किए जाते हैं। इसके आज यही लास्ट सेशन है आज का, मतलब टॉपिक जो है आज का। इसके बाद कल के सेशन में और बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे, जीन थेरेपी के बारे में समझेंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कैसे यूज किए जाते हैं, बाकी एनिमल्स के बारे में समझेंगे, क्लोनिंग के बारे में समझेंगे, वो सारे के सारे प्रोसेसेस समझेंगे। अब इसको समझ लेते हैं, आज क्रॉप की बारी थी तो क्रॉप सारे के सारे हमने इंक्लूड कर लिए। टोबैको प्लांट कंटेनिंग अ जीन From a bacterium Bacillus thuringiensis have been produced. Again वही BT. Bacillus thuringiensis की एक जीन को यूज करके टोबैको प्लांट को बना दिया गया। This gene is an insecticidal protein which damages the inner lining of the stomach of the insect and kill it. Same वही प्रोसेस है जो BT कॉटन में हमने समझा। The tobacco plant having this gene produced their own insecticide. यानी कि tobacco plant में जब डाल दिया गया तो tobacco plant in a way खुद का अपना insecticide बनाने लगा, क्योंकि उसको खाएगा तो मर जाएगा। यही तो है transgenic tobacco। जैसे हमने transgenic corn के बारे में सुना, भुट्टा, वो भी बनाया गया transgenic, है ना, corn borer के against में। इसी तरह से cotton ball worm के लिए जो है हमने BT cotton बना लिया, तो BT कॉटन हो गया, ये BT टोबैको कह सकते हैं आप इसको। Bacillus thuringiensis को यूज किया तो ये BT हो गया, BT टोबैको। इसी तरह BT ब्रिंजल भी है, BT का बैंगन भी है, कॉटन भी है, टोबैको भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो BT से रिलेटेड हैं बच्चों, राइट? तो आज तक का हमारा जो सेशन था आज का वो यहीं तक था। अब एक बार बात कर लेते हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ये रहे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशंस, इन सब्सक्रिप्शंस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर लीजिए। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का रहेगा उतना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा वक्त तक का आपको कवरेज मिलेगा आपके एग्जाम तक, चाहे वो नेक्स्ट ईयर जब भी हो। यूज करिएगा कोड प्रदीप लाइव, एज यूजुअल मैंने आपको हमेशा बताया कि दिस इज अ सोशल करेंसी फॉर अस, तो इसको यूज करिए एंड यू विल डायरेक्टली सपोर्ट मी बाय यूजिंग दिस, राइट? और अब बात कर लेते हैं हमारे नीट अनअकैडमी नीट चैनल के बारे में। तो अनअकैडमी नीट चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और #NEETLiveDaily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दीजिए, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चलता रहे। लेट्स क्रैक इट टुगेदर विथ अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी। अब तो स्कूल एट अनअकैडमी चैनल भी स्टार्ट हो चुका है 11th 12th, यानी कि जो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी 11th 12th चैनल के साथ, और 9th 10th वाले भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी 9th एंड 10th के साथ।